वेलकम टू द चैनल अभिलाष कोच एंड एजुकेशनिस्ट। सभी का स्वागत है। आज का लेसन है एडवर्ब। थोड़ा एक क्विक रिवीजन लेते हैं पहले, जो हम लोगों ने इसके पहले डील कर चुके हैं। लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी हैव डेल्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन वी हैव मूव्ड ऑन टू नाउन एंड इट्स काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, वर्ब एंड इट्स काइंड्स, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एडवर्ब। जिनके लेसन्स छूट गए हैं वो रिवाइज कर सकते हैं, पिछले लेसन्स सारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं। सो एडवर्ब एज वी हैड डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड वन वर्ड डेफिनेशन फॉर द एडवर्ब इज मोडिफायर्स। ये भी बताया गया था कि एडवर्ब वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड बाय एडिंग एडजेक्टिव एंड वर्ब। काफ़ी कम लोगों को, काफ़ी कम स्कूल्स में ये बताया जाता है, बट जिन्हें भी पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है तो अब मालूम हो गया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर के लिए। जैसा कि हमने देखा था, प्रॉमिस किया था मैंने कि हर एक चीज़ की ट्रिक्स दूंगा। सो इसकी ट्रिक्स आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहली तो हम देख ही चुके हैं कि एडवर्ब जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज एडजेक्टिव एंड वर्ब। प्लस देख के बच्चों को लग रहा होगा थोड़ी मैथ्स आ गई। हाँ मैथ्स आ गई, मैथ्स की भी लेक्चर्स हम लोग लेंगे, बट लेट complete the parts of a speech first, okay? Always remember that adverb are those words which modifies an adjective, a verb or another adverb. डेफिनेशन दो बताता हूँ। वन द सिंपल वन, ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड मेमोराइज, एंड द सेकेंड वन इज ऑलवेज द चतुर वाली कॉम्प्लेक्स वन। जो भी समझ में आ जाए या जो भी समझ में आ जाए एक्चुअली, जो उसे ही ध्यान रखना। सो सिंपल डेफिनेशन से इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब comes under the category of adverb. Now, see a detailed definition. See, both are important. So, complex or the detailed definition says a word or phrase that are used in English language that modifies or qualifies an adjective, a verb, or another adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause or degree. थोड़ी सी टफ लग रही होगी, बट डू नॉट वरी, बाय द एंडिंग ऑफ द लेक्चर सारी चीजें समझ जाएंगी। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। डेफिनेशन के बाद हम क्या डील करते हैं? काइंड्स, टाइप्स, प्रकार। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अरे ये क्या लिखा हुआ है? पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग? ना, डोंट वरी, इट विल बी एक्सप्लेन, जस्ट बी इन टच। रिमेंबर एक्रोनिम जो हम बाद में बनाते थे, हम पहले इसमें देखते हैं, राइट? इट इज द पीटीएम एफडीआई, करेक्ट? जिसका एक्रोनिम याद करने के लिए हमने बनाया पीटीएम एफडीआई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ और अपनी समझ से बनाना चाहो तो बेशक बना सकते हो। ये मैंने अपने लिए जो मुझे समझ में आ जाए वो बनाया है।
यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज हमारे पास ये है कि जब हमने इसके एक्रोनिम लिए तो यहाँ पे सिर्फ एक वॉवल प्रेजेंट था। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं इन डिटेल हम एक सेपरेट सेक्शन में डील करेंगे। वॉवल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोनंसिएशन पार्ट। तो ये पीटीएम एंड एफडीआई हैं क्या, ये देखते हैं। प्लेस पी, टाइम टी, एम स्टैंड्स फॉर मैनो, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, डी डिग्री, आई एस फॉर इंटरोगेटिव। रिमेंबर इंटरोगेटिव हम दो तीन बार डील कर चुके हैं पहले भी। द वेरी फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। बहुत ही ईजिली ध्यान से समझना, डू नॉट गेट कैरीड अवे। ट्रिक्स विल बी प्रोवाइडेड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली। वो शब्द जहाँ पे जगह का जिक्र होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेसेस वेयर द एक्शंस आर एसोसिएटेड विथ। कोई काम कहाँ हो रहा है, इस तरह के जो शब्द बताएंगे वो आते हैं किस कैटेगरी में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ हो रहा है काम, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे आउट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हियर, देयर, डाउन, अबव, नियर, बिलो। हर एक वर्ड से सेंटेंस बनाओ, नोटबुक में लिखो, और वही सेंटेंस बनाना जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। करेक्ट। नाउ देयर इज अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर एंड आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस। इफ द क्वेश्चन विथ रिलेशन टू द वेयर गेट्स आंसर्ड, देन दैट वर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। जगह हो गया। नेक्स्ट टाइम समझने की कोशिश करो, वर्ड से चीजों को समझा करो। टाइम वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट डज टाइम मीन। सो एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द पॉइंट ऑफ टाइम और इट्स ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एक्शंस हैपेंड और ऑकर्ड। जब कोई चीज हुई, पहले वाले में क्या डील किया, कहाँ हुई, दूसरे वाले में क्या डील किया, कब हुई। ऐसा लग रहा है पुलिस इंट्रोगेशन चल रहा है, बट कम बैक टू द लेक्चर। टाइम समझ आया। एक थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। डेली, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, अर्ली, सून, बिफोर, आफ्टर, इमीडिएटली, लेटर। हर एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है पूरी तरह से समझने के लिए। ट्रिक जैसे पहले हमने देखी, वैसे यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन से क्वेश्चन का होगा। व्हेन, व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। सो ट्रिक याद रखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम पहचानने के लिए व्हेन क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर मिलना चाहिए। मैनर ऑफन हर्ड वर्ड है। स्टूडेंट लाइफ में काफी समय तक बेइज्जती होती है, सुनने को मिलता है इस चीज का मैनर नहीं है, इस चीज की तमीज नहीं है। मैनर सोचा है कभी होता क्या है। मैनर इज समथिंग हाउ यू डू वर्क, किस तरीके से कोई काम किया है, दैट इज कॉल्ड मैनर। इसलिए बचपन में सीखने की उम्र होती है, हम सीखते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे बड़े जो होते हैं, मॉम डैड होते हैं, पेरेंट्स, रिश्तेदार,
कभी कभी टोक देते हैं कि मैनर तुम्हारा सही नहीं है, मैनर सीखो। आया समझ में मैनर वर्ड का मीनिंग क्या है? सो एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर शोज और सजेस्ट द वे एन एक्शन हैपेंड और ऑकर्ड, किस तरीके से कोई काम किया गया। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, एक मुझे थॉट याद आ गया, कहीं पढ़ा था, अ सक्सेसफुल पर्सन नेवर डू एनी डिफरेंट वर्क, दे जस्ट डू द थिंग्स डिफरेंटली। समझ आया? मैनर चेंज होता है। एग्जाम्पल, रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या है? रन। कैसे भाग रहे हो, क्या तरीका है, क्या मैनर में भाग रहे हो? फास्ट। आई रॉन्गली स्पेल्ड हर नेम। एक्शन क्या हुआ, स्पेल स्पेल किया, किस तरह से? रॉन्गली। समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट्स? मेक अ नोट ऑफ इट, फाइंड आउट सम मोर एडवर्ब ऑफ मैनर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द नेट, मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ ईच वर्ड। नाउ हियर ट्रिक, सेम वे जैसे हमने पहले डील किया था प्लेस टाइम के साथ, वैसे ही मैनर में क्वेश्चन का आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें? हाउ का, हाउ द थिंग्स आर डन, किस तरह से हुआ या किया। करेक्ट? फ्रीक्वेंसी, वर्ड कहीं सुना है? रेडियो एफएम सुना है? एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जिन्हें मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है वो अपने अंदर की क्यूरियोसिटी लेवल को डेवलप करें, जिज्ञासा और अभिलाषा किसी चीज़ को जानने की इसे डेवलप करें, बहुत अच्छा होगा। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। जनरल टर्म्स में हम सुनते हैं, लोग पूछते हैं कि बस की फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, आखिरकार ये क्या पूछते हैं? ये हर आधे घंटे में आती है। अगर कोई बस हर आधे घंटे में उसी जगह पे आती है और सेम रूट फॉलो करती है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज और सजेस्ट हाउ ऑफन एन एक्शन और एन इवेंट ऑकर्स, कितनी बार रेगुलरली एट अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज और सजेस्ट हाउ ऑफन एन एक्शन और एन इवेंट ऑकर्स। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। वंस, ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, ऑफन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं इसके, आई एम जस्ट राइटिंग अ फ्यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज डू प्रैक्टिस अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल। ट्रिक टू रिमेम्बर, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार। गॉट इट? डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री एड टू द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब दैट दे मोडिफाई, ऑल्दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना समझा? अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो फिर से समझो। कोई चीज किस हद तक, किस इंतहा तक हो रही है, अगर ऐसे शब्द आपको पढ़ने में या सुनने में आ रहे हैं इंग्लिश में, सो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। एक्सट्रीमली, क्वाइट, वेरी, ऑलमोस्ट, नियरली,
सो ट्रिक हियर इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट. आई होप इट इज क्लियर नाउ. These are the words which is used to ask question about. सुना सुना सा लग रहा है, कई बार इसके पहले डील कर चुके हैं हम. याद आया? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, शायद तब याद आ जाए. वेयर, वेन, हाउ, वाई, वॉट. अभी भी नहीं आया याद. कोई ऐसे दो लेटर्स बताओ, कोई ऐसे दो अल्फाबेट जो इन सारे एग्जाम्पल में सेम हैं. डब्ल्यू एच अभी आया. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया. याद रखो, याद रखो. डू नॉट फॉरगेट थिंग्स. सो दीज आर द वर्ड्स विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बीइंग. किस कंडीशन में हो, किस जगह हो, कहाँ हो, किस वक्त पर हो, ये पूछ रहा है अगर कोई बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स. ट्रिक, देयर इज ऑलवेज ट्रिक गिवन फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द थिंग्स ईजली. It answers the question almost all WH words which we have dealt before as well, right? I hope पीछे जितना भी अब तक lectures हुए हैं आपकी concepts clear हुए होंगे. सारी चीज़ें सिर्फ audio, video सुनने या देखने से नहीं आएंगी. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, यू हैव टू एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल फ्रॉम द इंटरनेट. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स आर गिवन. जस्ट नाउ वी आर गोइंग इनटू द बेसिक लेवल, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें चीज़ें आएंगी. जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है मुझे लगता था कि क्या पता कोई देख रहा है या नहीं, but the response was really overwhelming. Recently मुझे मेरे एक बहुत पुराने और बचपन के दोस्त ने मैसेज करके बोला कि उसके भांजे और भांजी जो एक थर्ड में हैं और एक फिफ्थ में हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट से होंगे, वो मेरा वीडियो डेली देखते हैं और नोट्स भी बनाते हैं. सो ऑल द बेस्ट टू देम एंड ऑल ऑफ यू एज अ स्टूडेंट. काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द नेशनल लेवल, कुछ कमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी आए हैं. सो थैंक्स गिविंग टू ऑल ऑफ यू फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स. डू शेयर एंड सब्सक्राइब. एक बात आपसे आज मैं करना चाहूँगा. ऑन द टॉपिक कॉन्फिडेंस, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, बेहद ज़रूरी, अहम फैक्टर होता है. अगर ये है आपकी लाइफ में तो बहुत ही अच्छा है. इसके लिए सबसे पहले इंसान खुद ज़िम्मेदार होता है और उसके बाद उसके आसपास वाले लोग. कभी कभी कई बार ऐसा होता है, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो बहुत डाउन टू अर्थ फील करते हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उन्हें कुछ नहीं आता है. और ऐसे ही मौके पे उनके बॉस या कोई भी ऐसा जलने वाला इंसान, उसको मौका मिल जाता है, वो और आपको दो चार बातें सुना देता है. तो दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने दीजिए. आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा साथी है. अवॉइड करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए. फॉर सच पीपल इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऑलवेज रिमेंबर. जैसा कि मैंने बोला, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर भरोसा रखिए. आज इंग्लिश बोलना नहीं आता,
ठीक है, कल आएगा? कल नहीं आएगा, परसों आएगा, बट एक दिन ज़रूर आएगा, ये है कॉन्फिडेंस। और एक दिन मैं ला के रहूँगा, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अवॉइड करिए, जो सुनाते हैं उन्हें अवॉइड करिए। लोग कोशिश करेंगे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की। पीपल विल ट्राई टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। लोगों को तोड़िए बट कॉन्फिडेंस को नहीं अपने। एंड मैं तो कहता हूँ अवॉइड देम, किसी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अवॉइड देम। सी ऑलवेज रिमेम्बर, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आपके एक्शन में इंग्लिश बोलना आ जाएगा, आप खुद ब खुद उन लोगों को जवाब आप देंगे नहीं, उन्हें मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स एज वेल एज रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, डू फॉलो व्हाट इज बीइंग टोल्ड। इट विल टेक टाइम, जैसा मैंने बोला था, विष्णु शर्मा जी, पंडित विष्णु शर्मा जी जो पंचतंत्र की कहानियाँ लिखते थे, उनका अंदाज़ा था कि करीब 12 से 14 साल लगता है ग्रामर सीखने में किसी भी भाषा के। सो डू नॉट वरी, हैव पेशेंस, हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू कीप फेथ एंड कॉन्फिडेंस अपॉन यू। अपने हर वीडियो में, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि मेरा मेन मिशन, मेन एम उन गरीब बच्चों तक इस वीडियो या इन सारे वीडियोस को पहुँचाना है, एजुकेशन को पहुँचाना है, जो छोटे शहरों में हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, सहूलियत नहीं है, बट आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर है। पढ़ना जो चाहते हैं उन तक शेयर करिए, पहुँचाइए, स्पेशली आपके नेटिव्स में। जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभिलाष कोच एंड एजुकेशनिस्ट, हमारी टीम 2008 से स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है और आगे भी उम्मीद करते हैं करती रहेगी। हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। लोग कहते हैं शो शाइनिंग के लिए हर बार अपनी फ़ोटो डाल देते हैं, क्या ज़रूरत है, बट असल में मैं फ़ोटो इसलिए डालता हूँ कि अब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरा वीडियो देखा जा रहा है। सो अगर कभी सामना हो गया, सो एटलीस्ट पहचान तो सकें। सो हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।